दोस्तों आपसे एक सवाल है, अगर आपका पेट ही ना हो तो आपका खाना पचेगा कैसे, है ना? आप क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर आपका पेट नहीं है तो खाना कैसे पचेगा। दोस्तों अब आप कहीं है तो नहीं सोच रहे कि हम किसी रोबोट के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों हम किसी रोबोट की बात नहीं कर रहे, दरअसल हम एक ऐसी लड़की के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो बिना पेट की अपनी जिंदगी जी रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, बिना पेट वाली लड़की। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगा होगा ना, और लगे भी क्यों नहीं, ऐसा भला कैसे हो सकता है कि बिना पेट की लड़की। जरा सोचो, अगर आपका पेट ना हो तो आप खाना कैसे खाएंगे, और खाना नहीं खाएंगे तो जीवित कैसे रहेंगे। ऐसा ही कुछ नताशा दिधी के साथ हुआ है जो पुणे में रहती है। वो अपने आप को ग्रेटेस्ट फूडी कहती है। नताशा खाने पीने की बहुत शौकीन है लेकिन उनका पेट ही नहीं है। आइए जानते हैं नताशा बिना पेट की अपनी जिंदगी कैसे जी रही है। नताशा को 2010 से ही अपने शोल्डर में दाईं तरफ जोर से पेन होना शुरू हो चुका था, और धीरे धीरे वहां इतना ज्यादा पेन हो रहा था और दर्द के कारण ना तो वो सो पाती थी ना वो खा पाती थी। अक्सर यह दर्द उन्हें खाना खाने के बाद ही शुरू होता था। नताशा ने बहुत जगह अपना इलाज करवाया और 2-3 सर्जरी भी करवाई, साथ ही साथ बहुत सारे पेन किलर भी खाए, पर उन्हें आराम नहीं मिला। एक बार जब वो अस्पताल में भर्ती हुई और दर्द से चिल्ला रही थी, तब एक डॉक्टर जो बाहर से आए हुए थे उनकी नजर नताशा पे गई। उन्होंने नताशा को देखा, उनका इलाज करने का डिसीजन लिया। अगले ही दिन उनकी सर्जरी 8 घंटे तक चली, जिसमें डॉक्टरों को उनके पेट निकालना पड़ा। दोस्तों हमारा पेट बाहर से जो दिखता है वो हमारा पेट नहीं होता, दरअसल वो हमारे शरीर के अंदर का एक भाग होता है। डॉक्टर्स ने सर्जरी में देखा कि नताशा ने पेन किलर खा खाकर अपने पेट को पूरी तरह से खराब कर लिया था, जिसकी वजह से उनको शोल्डर में पेन होता था। जब नताशा को ये बात पता चली कि अब उनका पेट नहीं है, तो वो सोचने लगी कि अब मैं खाना कैसे खाऊंगी और जिंदगी कैसे जीऊंगी। पर डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी कि वो खा भी सकती हैं और जिंदगी को भी अच्छे से जी सकती हैं। आज नताशा किसी नामी रेस्टोरेंट में काम करती हैं, और अगर आप उनकी इंस्टाग्राम फीड चेक करेंगे तो वहां उन्होंने हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज पोस्ट की हुई हैं, और वहां उनके फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा हैं। वो कहती हैं कि हमें लगता है कि हेल्दी मतलब बिना तेल घी का उबला खाना, लेकिन सच तो ये है कि हमें तेल घी से ज्यादा नुकसान शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। नताशा जोर देकर ये भी कहती हैं, हमें पिज्जा बर्गर से ज्यादा रोटी दाल की ओर रुख करना चाहिए। अब तो आपको भी पता चल गया होगा दोस्तों, घर का खाना बहुत ही लाजवाब होता है और वही सबसे पौष्टिक आहार होता है। तो अपनी लाइफस्टाइल में घर का खाना जरूर उपयोग में लाएं। और हाँ, हम चाहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी रहे और हेल्दी रहे, इसीलिए आप जितना हो सके जंक फूड अवॉइड कीजिए और हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।